नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि भारत और पाकिस्तान के सैनिक मनोबल का सर्वाधिक असर सीधे जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सैनिक ऑपरेशन ने कश्मीर घाटी में लोगों को सोचने को मजबूर किया होगा। दक्षिण कश्मीर के जिन जिलों में उपद्रव है, उनमें अलगाववादियों उग्रवादियों में खौफ बना होगा। तभी जम्मू कश्मीर के हालातों को बदलने का आज निर्णायक वक्त है। केंद्र सरकार और महबूबा मुफ्ती सरकार के लिए पहल करने, सख्ती का नया संदेश देने का मौका है। कश्मीर के आतंकी उग्रवादियों ने भी इस बात को समझा होगा कि पीओके में यदि आतंकी जमा भी होते हैं तो भारत सैनिक कार्रवाई कर सकता है। भारत की रीति नीति में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ पर नजर है, तो अब नियंत्रण रेखा के पार के आतंकियों को खत्म करना भी है। जाहिर है, कश्मीर घाटी के उग्रवादियों आतंकियों में खौफ और चिंता पैदा हुई होगी। उस नाते क्या वक्त नहीं आ गया है कि दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों का नया सघन अभियान चले। केंद्र में सत्ता संभालने के बाद भाजपा ने जम्मू कश्मीर में नए अनहोने प्रयोग किए। पीडीपी के साथ साझा सरकार बनाई। प्रधानमंत्री ने कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की बातें की, लेकिन उसका उग्रवादियों और अलगाववादियों पर कोई असर नहीं हुआ। तभी सवाल है कि भाजपा को जम्मू कश्मीर की अपनी मूल सोच पे क्या फैसले नहीं लेने चाहिए। पाकिस्तान को यदि हैंडल करने का, दुरुस्त करने का वक्त है, तो उसके साथ जम्मू कश्मीर को भी दुरुस्त क्या नहीं किया जाना चाहिए। सवाल है, क्या क्या हो सकता है और फिलहाल घाटी के अलगाववादी किस मनोदशा में होंगे, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां, शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वैसे तो ब्राह्मण चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसकी नजर में सबसे अहम दलित और मुस्लिम वोट है। लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास इन दोनों समुदायों से प्रदेश का कोई नेता ऐसा नहीं है जिसे पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए घुमाया जा सके। सो कांग्रेस पार्टी दलित और मुस्लिम समुदाय के कुछ बड़े चेहरे बाहर से लाकर प्रदेश की राजनीति में उतारेगी। अभी भी राहुल गांधी की किसान यात्रा में प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद को ही हाईलाइट किया जा रहा है। कांग्रेस के दो पुराने मुस्लिम नेता मोहसिन किदवई और सलमान खुर्शीद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने तो इस बार मोहसिन किदवई को राज्यसभा में भी नहीं भेजा। इन दोनों से पार्टी को ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के नेताओं में सिर्फ इमरान मसूद को थोड़ा बहुत महत्व मिल रहा है। इसी तरह प्रदेश का सबसे बड़ा दलित चेहरा पीएल पुनिया का है, लेकिन कांग्रेस को उनसे भी ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं दिख रही है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद वो बाराबंकी तक ही सीमित रहेंगे। कांग्रेस की दलित राजनीति पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू संभाल रहे थे, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजे जाने से वो नाराज हैं और इस वजह से दलित राजनीति पटरी से उतरी है। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी सुशील कुमार शिंदे और मीरा कुमार को प्रचार में उतारेगी। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईआरएस रेड्डी के बेटे जगन मोहन को कांग्रेस में लाने का प्रयास तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि खुद जगन ने इस तरह का रुझान दिखाया है कि वे कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। असल में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगन की पार्टी के कई विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब भी कहा जा रहा है कि उनके एक दर्जन विधायक पाला बदलने को तैयार है। तभी जगन मोहन चाहते हैं कि नायडू के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने। उनको पता है कि अगर वे और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो अगले चुनाव में फिर टीडीपी को फायदा हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने तालमेल के लिए संकेत दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वे अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक इस काम में कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जगन मोहन की पार्टी प्रशांत किशोर के संपर्क में है और कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों के बीच 2019 के चुनाव के लिए करार हो सकता है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश का चुनाव लोकसभा के साथ ही होता है। उस समय प्रशांत किशोर भाजपा विरोधी मोर्चे के लिए काम करेंगे। सो चुनाव से पहले ही वे किसी तरह से जगन को कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस मोर्चे में लाने की कोशिश करेंगे। आपराधिक छवि के नेता और राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को जेल से निकलने के बाद 20 दिन के अंदर फिर जेल में डलवाने का श्रेय लेने की होड़ मची है। शहाबुद्दीन के समर्थकों ने इसका सहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मीडिया के माथे पर बांधा है। सोमवार को शहाबुद्दीन समर्थकों ने उन्हें जेल भेजने के विरोध में सिवान में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उन्होंने नीतीश कुमार के विरोध में नारे लगाए। भीड़ में बहुत सारे लोग नीतीश विरोधी नारों की तख्तियां लेकर खड़े हुए थे। उनका कहना था कि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो शहाबुद्दीन की जमानत रद्द नहीं होती। अपनी तरफ से उन्होंने नीतीश का विरोध किया है, लेकिन
जिससे उनको फायदा हो गया है। शहाबुद्दीन समर्थकों ने मीडिया के साथ भी दुर्व्यवहार किया और आरोप लगाया कि उसने जबरदस्ती माहौल बनाया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य सरकार की बजाय सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को श्रेय दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत भूषण अगर जमानत को चुनौती नहीं देते तो बिहार सरकार अदालत में नहीं जाने वाली थी। पहले 40 से ज्यादा मामलों में जमानत होने पर वो अदालत नहीं गई थी। भाजपा के कुछ नेता खुद भी श्रेय ले रहे हैं। बिहार से सोशल मीडिया में सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं की टीम सुशील कुमार मोदी को इसका श्रेय दे रही है। हैरानी की बात यह है कि प्रशांत भूषण ने खुद इस मामले में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से कई नाराज नेता बिहार सरकार की बजाय प्रशांत भूषण को श्रेय दे रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर वे घिर गए हैं। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल का सबूत मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल के बयान का पाकिस्तान मीडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। साथ ही भाजपा ने उनसे अपील की है कि वे कुछ ऐसा न करें जिससे सेना का मनोबल गिरे। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी से पूछा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला जो बयान पी चिदम्बरम ने दिया, क्या वही कांग्रेस का आधिकारिक रुख है? गौरतलब है कि चिदंबरम ने भी कहा था कि सबूत पेश करना सरकार के ऊपर है। इस बीच कांग्रेस के एक और नेता संजय निरुपम ने भी कहा है कि सरकार को सबूत देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले अपने बयान पर सफाई दी है और भाजपा को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आखिर भाजपा उनके बयान से इतना क्यों बौखला गई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अगर मैंने कहा कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए तो इस पर भाजपा क्यों बौखला गई। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने तो आतंकवादियों के खिलाफ मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ भी की थी। गौरतलब है कि उन्होंने कल मोदी की तारीफ करते हुए यह भी कहा था कि पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। भारत को पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का जवाब देना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सबूत देने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रघुराम राजन की जगह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने उर्जित पटेल ने अपनी पहली मौद्रिक समीक्षा में आम लोगों को अच्छी खबर दी है। उन्होंने नीतिगत ब्याज दर में 4.25% की कमी कर दी है। इससे ब्याज दर पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अब माना जा रहा है कि बैंक इसका लाभ आम लोगों को देंगे। इस कटौती के बाद ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है, जिससे आवास और वाहन के कर्ज सस्ते होंगे। इस मौद्रिक समीक्षा की खास बात ये भी है कि उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पहली बार एक कमेटी ने ब्याज दरों के बारे में फैसला किया है। गौरतलब है कि इससे पहले थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मुद्रास्फीति दोनों के आंकड़ों में जबरदस्त कमी आई थी, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ब्याज दरों में कमी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रशासन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई जस्टिस R.M. लोढ़ा कमेटी ने स्पष्ट किया है कि उसने कभी भी BCCI के खातों पर रोक लगाने के लिए नहीं कहा था और बोर्ड अपने नियमित खर्चे कर सकता है। कमेटी की ओर से इस बयान के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों के रद्द होने का खतरा टल गया है। इससे पहले बोर्ड ने कहा था कि बैंक खाते सील होते हैं तो उनके पास बचा हुआ टेस्ट मैच और 5 एकदिवसीय मैचों की सीरीज रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बोर्ड ने कहा कि BCCI की ओर से ही राज्यों के बोर्ड को मैच आयोजित कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगर बोर्ड पैसे नहीं देगा तो मैचों का आयोजन कैसे होगा। बोर्ड के इस रुख के बाद जस्टिस लोढ़ा ने खुद सफाई दी और कहा कि उन्होंने खाते सील करने को नहीं कहा था। बैंकों से सिर्फ ये कहा गया था कि राज्य संघों को भारी धनराशि का भुगतान न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा पर बरसों से चली आ रही परंपरा बदलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बार दिल्ली के बजाय लखनऊ में दशहरा मनाएंगे और रावण दहन करेंगे। वे लखनऊ के ऐशबाग में होने वाले दशहरा समारोह में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उन्होंने 2 बार दिल्ली के रामलीला मैदान की दशहरा में ही हिस्सा लिया था। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी आदि नेता भी प्रधानमंत्री रहते रामलीला मैदान की दशहरा में ही हिस्सा लेते थे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वजह से मोदी ने इस बार दिल्ली की बजाय लखनऊ में रावण दहन करने का फैसला किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वो मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत की जानकारी सार्वजनिक करे। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज राज्य सरकार के वकील से मुख्यमंत्री का हेल्थ अपडेट जारी करने के लिए कहा। अदालत ने कल इस पर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि जयललिता गंभीर रूप से बीमार है। उनको बुखार और पानी की कमी के कारण 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी पार्टी और सरकार उनकी सेहत की जानकारी गोपनीय रख रही है और सिर्फ इतना बता रही है कि वे ठीक हो रही हैं। तभी इसे लेकर एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जम्मू कश्मीर में घाटी के 5-6 जिले हैं जिसके सुन्नी मुस्लिम बहुल उग्रवादियों ने 70 सालों से भारत राष्ट्र राज्य को चुनौती दी हुई है। ये पाकिस्तानी मदद से उछलते रहे हैं। पाकिस्तान की एटमी बम जखीरे की धौंस से ताकत पाए हुए थे। सो अब जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को हैसियत बताने की ठानी है तो झगड़े की जड़ जम्मू कश्मीर की समस्या का भी स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
भारत सरकार ने आतंकवाद के प्रति अपनी नीति बदलने का ऐलान किया है। नियंत्रण रेखा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी शिविरों को नष्ट करने की सैन्य कार्रवाई इस बात की घोषणा है कि भारत अब बदल गया है। अब भारत सचमुच आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चलेगा। तभी यह सवाल भी उठा है कि क्या इसके साथ ही भारत को कश्मीर समस्या सुलझाने का भी ठोस प्रयास नहीं करना चाहिए। कश्मीर समस्या अपने आप में कुछ नहीं है, वह पाकिस्तान के इशारे पर और अब यह भी साबित हो रहा है कि उसकी ओर से मिल रहे साधनों के दम पर कश्मीर में अशांति फैलाई जाती है। यह स्वतः स्फूर्त नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर के अलगाववादियों को शह देती है, जिसके दम पर वे भारत की नाक में दम किए रहते हैं। अभी पिछले दिनों 80 दिन से ज्यादा समय तक कश्मीर में अशांति की खबरें आती रहीं, लेकिन बुनियादी रूप से यह अशांति दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों और श्रीनगर के कुछ थाना क्षेत्रों की थी। इन इलाकों में कट्टरपंथी मुस्लिम अलगाववादियों ने आजादी की लड़ाई को जिहाद बनाया हुआ है। वे इसमें धार्मिक कट्टरता जोड़ते हैं, जिससे युवाओं में कुछ बाल आता है। इसके साथ साथ इस अशांति में बाहर से आने वाले पैसे का भी बड़ा हाथ है। सो अब जबकि सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी है और उसकी शह पर चलने वाले आतंकी शिविरों को नष्ट कर रही है, तो उसे कश्मीर घाटी में बना अलगाववाद का ढांचा नष्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तनातनी का सबसे ज्यादा असर कश्मीर पर होता है। जाहिर है वहाँ के अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्त नेताओं को समझ में आया होगा कि केंद्र सरकार इस बार बातचीत से ज्यादा सैनिक कार्रवाई पर भरोसा कर रही है, सो उनके भी हौसले पस्त होंगे। तभी यह सही वक्त है कि कश्मीर समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। एक छोटी सी पहल की उम्मीद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की लेह यात्रा से जगी है। लद्दाख के लोगों ने उनसे कहा कि वे कश्मीर से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने अपने लिए दिल्ली के जैसा दर्जा मांगा। वे चाहते हैं कि उनकी विधायिका अलग बने और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। ध्यान रहे, बहुत पहले से इस बात की चर्चा होती रही है कि लद्दाख और जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए और इनका अलग प्रशासनिक ढांचा बने। भाजपा के पुराने नेता यह फॉर्मूला देते रहे हैं। सो अगर सरकार इन दो राज्यों को अलग करती है तो इनका भला हो जाएगा। कश्मीर की रोज रोज की अशांति से होने वाले असर से ये इलाके मुक्त हो जाएंगे। इनके विकास की अलग योजनाएं चल पड़ेंगी। उसके बाद घाटी के बचे हुए इलाके में सरकार अलग रणनीति बना सकती है। कुछ समय पहले अनुच्छेद 370 पर बहस कराने की बात आई थी। सरकार को यह बहस जरूर करानी चाहिए कि आजादी के बाद 70 साल में संविधान की इस अलग व्यवस्था ने इस राज्य को कितना फायदा पहुंचाया है। अगर फायदे से ज्यादा राज्य का नुकसान हुआ है तो इसे बदलने में भी सरकार को हिचक नहीं दिखानी चाहिए। सरकार ने कश्मीर पर से फोकस हटाकर आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर फोकस बनाया है, इसलिए भी यह वक्त कश्मीर में स्थायी शांति बहाली के लिए उपयुक्त है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आए मौके पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने समस्या पैदा की हुई है। वह कश्मीर के हालातों के बहाने दुनिया में लॉबिंग करता है, इसलिए जरूरी है कि भारत ऐसा कुछ करे जिससे जम्मू कश्मीर के उग्रवादियों की कमर टूटे, घाटी के अलगाववादियों की आवाज बेदम हो। भाजपा ने इसके लिए धारा 370 खत्म करने, प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटने जैसे तरीके सोचे थे। क्या उस तरह की साहसिक पहल अब संभव है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सराफ है। पुष्प जी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत की सेना ने जो सैनिक ऑपरेशन किया है, उसका कश्मीर घाटी में और खास तौर पर उग्रवादी और अलगाववादियों पर क्या मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा? क्या आज कश्मीर घाटी के अंदर लोगों की मनोदशा कैसी होगी? देखिए, एक बड़ा एक खौफ वहाँ कश्मीर घाटी में जो बनाया जाता था कि दोनों जो शक्ति हैं, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं और जब भी इनमें इसीलिए लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि जो अगर उस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उससे बड़ी तबाही होगी। इस तरह का एक खौफ का माहौल भी था और उस बात को भी जो काफ़ी जो प्रो पाकिस्तान लॉबी खासकर थी वो बड़ा उछालती थी, उस बात पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कि लोगों को ये ख्याल नहीं था कि भारत इस हद तक जाएगा कि नियंत्रण रेखा के पार स्ट्राइक करेगा और मिलिटेंट लॉन्च पैड्स को उनको बिल्कुल फोकस डेक्स और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। तो ये इसलिए क्योंकि आतंकी की एक आजकल जो माहौल है उससे एक ये भी उस तरह का ख्याल आ जाता है कि कल क्या भारत, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ड्रोन स्ट्राइक्स अमेरिका ने काफी किए हैं, पाकिस्तान भी हो सकता है कि इस शक्ति को रखता हो, पर क्या कल मुरीद के और बहावलपुर पे भी अटैक कर सकता है, इस तरह की बात। तो ये इसलिए क्योंकि सचमुच में उस नियंत्रण रेखा के पार से
आतंकियों का उनको सपोर्ट मिलता था, उग्रवादियों का, एक घाटी के उग्रवादियों का, वहां से आते भी थे और वहां लोग, अब तो कम हो गया था पिछले कुछ सालों से, पर वहां लोग शुरू शुरू में काफी गए जो इन्होंने वहां ट्रेनिंग ली। खासकर दो बड़े ही मिलिटेंट लीडर्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही हुई है कि किस तरह उनको वहां प्रशिक्षण दिया गया, किस तरह उनको भारत के खिलाफ भड़काया गया। उस पे तो काफी देर से वैसे लोग नहीं ज्यादा जा रहे थे, पर वहां से लोग आते भी रहते थे, तो वो आते रहते उन पर पड़े। उसके कारण दक्षिणी कश्मीर में, दक्षिण उत्तर कश्मीर के जिलों में जो अभी पत्थर फेंकने की घटना, ये घटना, इन घटनाओं में रुकावट आएगी क्या, कुछ कमी होगी अब, मतलब अपनी सुरक्षा बलों के लिए काम आसान होगा? नहीं, उसमें उस हद तक तो जरूर कमी आएगी कि जो बाहर के लोग थे, जो उकसाते थे, वो अब थोड़ा, उनको लोग थोड़ा ध्यान से ही सुनेंगे, उनके कहने में नहीं ज्यादा आएंगे, कहने में नहीं ज्यादा आएंगे। आपकी बात सही है, इससे जो आतंक का माहौल था कि जो जिसमें गोली और बंदूक की भाषा थी जो, वो थोड़ी कम होगी, काफी कम होगी। मतलब ये कि उग्रवादी अलगाववादी अब बातचीत के तरफ की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि भाजपा को या केंद्र की मोदी सरकार को इस नए माहौल के अंदर बातचीत का संवाद का शुरू करना चाहिए या सख्ती के साथ पहले सब अलगाववादियों उग्रवादियों को ठीक करना चाहिए? देखिए, उग्रवादी और जहाँ तक फॉरेन मशीनरीज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल उनके लिए तो कोई हमदर्दी हो नहीं सकती और उनको काफी फर्क ही पड़ेगा, वो खुद भी अब ध्यान से चलेंगे क्योंकि अब उनको भी एक संदेश चला गया है कि अगर भारत इस हद तक जा सकता है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में कुछ बातें कही गई थी जिनको भारत के मुताबिक पाकिस्तान नहीं मान रहा था और जिसको, जिसमें था और भारत ने जिसको बड़ी ही एक कहना चाहिए कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ताकत दिखाते हुए भी करगिल के वक्त भी इसका उल्लंघन नहीं किया, वो अब हुआ है। तो उल्लंघन नहीं कहना चाहिए, मतलब उल्लंघन, लेकिन भारत ने अपना अधिकार किया, अपने ही किया कि भाई पीओके हमारा है और हमारा है और इसके अंदर अगर वहां आतंकी होते तो हम जाके कार्रवाई करते। उन्होंने अभी की उनको खदेड़ तो दिया जो पाकिस्तान के सशस्त्र, लेकिन नियंत्रण रेखा के पार नहीं गए। इसका जो फर्क है वो उग्रवादियों पे जरूर पड़ेगा, पर जो अलगाववादियों का एक तबका है जो कि जिसने की खुद बंदूक नहीं उठाई, वो अभी अपनी बात पे डटा रहेगा और वो जरूर नहीं। तो उस नाते ये जो भी साइकोलॉजिकल और ये हुआ, उसके साथ में केंद्र सरकार को, क्योंकि खास तौर पे भाजपा की सरकार है जिसकी अपनी भी कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को लेकर एक नीति रही है, एक एजेंडा रहा, एक सोच रही है, उस दिशा में क्या केंद्र सरकार बढ़ सकती है या पीडीपी के साथ ही भरोसे में करके व्यवस्था, अमन चैन बनाना चाहिए? भाजपा एक राजनीतिक दल की हैसियत से इस स्थिति में नहीं है कि घाटी के अंदर कोई खास काम कर सके हाँ। पर उसी चीज को जो एडवांटेज भी बना सकते हैं हाँ। क्योंकि इन्होंने दूर दूर से ही बातें कही हैं कि ये धारा 370 तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी है, पर इन्होंने घाटी के अंदर कोई ऐसे ही तो उसको ये एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं कि हम नए ढंग से चलेंगे हाँ। लोगों से बात करेंगे। आपके अनुसार नई अप्रोच से काम करने का केंद्र सरकार के पास मौका है या नहीं है? उस मौके में क्या क्या होना चाहिए फोकस? उनको चाहिए कि वो बातचीत की पेशकश करें, एक अपने जो मुख्य नेता है जो भी सत्ता में है, जैसे गृह मंत्री ने भी लास्ट टाइम वहां कह दिया था, पर उस वक्त उनकी कोई तैयारी नहीं लगती थी कि कह दिया था मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मिलना चाहता है मिल ले, पर इस वक्त वो कोशिश कर सकते हैं। पर आपके अनुसार चले, लोगों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करें? नहीं, पर आपके अनुसार मध्य मार्गी या मध्य जो सोच वाले हैं वो हुर्रियत नेता और ये अब बेखौफ होकर अब मेल मुलाकात के लिए आ सकते हैं? नहीं, अभी उनको मेरे ख्याल वो थोड़ा पब्लिक प्रेशर असेस करेंगे कि क्या है। वजह है कि एक बहुत बड़ा नौजवानों का एक नया तबका भी मैदान में आ गया है जिनका अभी कोई नेता नहीं तो उन्हीं पर तो मनोवैज्ञानिक, उनको भी नेता मानने को शायद तैयार हो कि नहीं हो, वो भी नहीं, पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो उन्हीं नौजवान तबके पे ज्यादा हुआ होगा अगर भारत सख्ती का रुख अपनाए तो। नहीं, वो उसको, वो जो तबका है ना वो पॉलिटिकल नहीं है, उसका कोई अपना राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, वो वैसे ही उखड़ा हुआ है हाँ। वो उसके कई फैक्टर्स हैं, कुछ ऐतिहासिक, तो इस नाते पुराने नेताओं को छोड़ के और एक पुराने नेताओं से भी बात करनी चाहिए। कोई भी आदमी इतना इररेलेवेंट नहीं होता जे शेख अब्दुल्ला कई दशकों बाद वापिस आए मेन स्ट्रीम में जे। तो इसी तरह कई, और इस वक्त तो मैदान में कई नेता भी हैं और कई नौजवान भी हैं जिनका कोई नेता नहीं है, और उनके साथ में साथ करने का ये मौका है। भाजपा एक नई स्टार्ट करके अपनी भी एक नई पहचान बना सकती है घाटी में, और पीडीपी को साथ रखें, जो
और भी बेहतर होगा। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter.com/nayaindianewspaper पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।